राजस्थान की चुनाव विशेष खबरों से जुड़ी हर बात सूजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं सालेहा और मेरे साथ हैं मेधा। प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियां लगातार अवैध सामग्री जब्त कर रही है। 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने से अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। सबसे ज्यादा 32 करोड़ 67 लाख रुपए की अवैध सामग्री जयपुर से पकड़ी गई। वहीं मादक पदार्थों में बाड़मेर से 7 करोड़ 40 लाख और अलवर से 4 करोड़ 30 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आप घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। अगर आपके पास एपिक कार्ड है तो आप उसके बारकोड, क्यूआर कोड या एपिक नंबर के माध्यम से भी अपना नाम ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि दर्ज कर भी मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप 27 अक्टूबर तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो मेरा सभी से आह्वान है, अपील है कि इसको अगले 27 तारीख तक अगर किसी का भी नाम रह गया है गलती से, जो लेटेस्ट वोटर लिस्ट है वो ही मान्य होती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि मेरे पास तो वोटर आईडी कार्ड है तो मेरा वोट तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ऑटोमेटिक वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी नहीं है। इपिक कार्ड होना या वोटर आईडी कार्ड होने से केवल मात्र वोट नहीं डाल सकते। लेटेस्ट वोटर लिस्ट जो 4 अक्टूबर को जारी हुई है उसमें वोट आपका होना जरूरी है, अन्यथा फिर आप अपना फॉर्म 6 फॉर्म 8 भरकर वोट अभी भी जुड़वा सकते हैं 27 अक्टूबर तक। मीडिया से बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव संबंधी कामों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक आयोग ने आचार संहिता में किसी भी तरह के विज्ञापन एमसीएमसी कमेटी की अनुमति लेने के बाद ही प्रकाशित किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ जैसे सोशल मीडिया, कोई भी डिजिटल मीडिया है, हर तरह का एड, चाहे टीवी का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उसको एमसीएमसी कमेटी, जो मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी है, चाहे जिले में बनी हो, चाहे राज्य में बनी हो, चाहे ईसीआई लेवल पे बनी हो, तीन लेवल की कमेटियां हैं, कहीं ना कहीं से वो एड अप्रूव होना चाहिए। अन्यथा फिर आरपी एक्ट में और जो आईपीसी है उसके तहत कार्रवाई का प्रावधान है। आप सुनिए चुनाव विशेष हलचल के साथ जिलों की खबरें। चूरू में आज से 27 अक्टूबर तक मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चेक योर वोटर लिस्ट चलाया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि इस दौरान जिले में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और अपना नाम चेक करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मुस्तैद नाकेबंदी और सघन तलाशी अभियानों की जमीनी स्तर पर क्रियान्विति जांचने के उद्देश्य से 3 स्थायी और 2 अस्थायी नाकों का औचक निरीक्षण किया। बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने चुनाव तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सूचना तंत्र को मजबूत रखने और अफवाहों की रोकथाम के लिए पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। और अब स्वीप गतिविधियों से जुड़ी कुछ खबरें। सीकर जिले में मतदाता जागरूकता संबंधी पोस्टर निर्माण, मतदाता शपथ, नारा लेखन, मेहंदी और रंगोली जैसी गतिविधियां हुई। श्री गंगानगर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चों ने जगह जगह रंगोली सजाकर मतदान करने का संदेश दिया। डूंगरपुर में मतदाता जागरूकता के लिए साबला में स्काउट गाइड ने रैली निकाली। वहीं बोडीगामा छोटा के परशुराम चौक पर मतदाता जागरूकता गीत पर गरबा खेला गया। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। 25 नवंबर को मतदान के आग्रह के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।